हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। संपूर्ण प्रचार, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस से पूछा तो पत्रस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर ने कहा, इस बात के कारण मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे, यानी तू शैतानी फाटकों को खत्म करके लोगों को बचाएगा। तुझे कोई भी जाति प्रचार करने से रोक नहीं पाएगी, वो फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, किसी मांस और लहू से नहीं वरन परमेश्वर की आत्मा ने ये बात तुझ पर प्रकट की है। आपकी आशीष इस बात पर निर्भर करती है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ उतना मजबूत है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने सभी चेलों से पूछा तो सिर्फ पत्रस ने जवाब दिया, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आप कितना परमेश्वर को जानते हैं? मेरे प्रियो, अगर एक पास्टर इस भेद को समझ ले और अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ मजबूत करे तो परमेश्वर अपने वचनों के प्रकाश को उन पर जाहिर करेगा। परमेश्वर प्रतिदिन अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने दासों से बात करेगा। आज लोग प्रभु यीशु मसीह के एक ही विषय को लेकर प्रचार करते हैं, वो झूठ तो नहीं है लेकिन पूरा सच भी नहीं है। जैसा लिखा है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो सारी उम्र आप चंगाई का प्रचार नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ चंगाई आशीष के बारे में प्रचार नहीं करना है, आपको पश्चाताप के बारे में, पाप के बारे में, परमेश्वर के भय के बारे में, सब चीजों के बारे में प्रचार करना है। परमेश्वर आपको जंगल में जाकर प्रचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन ये सब बातें सबके लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का। परमेश्वर सिर्फ आत्मिक अंधों की नहीं बल्कि शारीरिक अंधों की बात कर रहा है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मतलब ये नहीं कि वो कंगाल रहें बल्कि वो अनंत जीवन पाएं। जब आप बाइबल में अभिषिक्त दासों के बारे में पढ़ें तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, अय्यूब और मूसा ये सब शारीरिक और आत्मिक रीति के साथ आशीषित थे कि वो परमेश्वर का संपूर्ण रीति के साथ प्रचार करते थे, वो आधा अधूरा प्रचार नहीं करते थे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण रीति के साथ प्रचार करना होगा, अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ मजबूत करना होगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने संबंधों को आपके साथ मजबूत करूंगा और संपूर्ण रीति के साथ प्रचार करूंगा, वो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।